अब देखिए जो हम बात कर रहे हैं ये किसका स्केलेटन है, तो ये कैटल का स्केलेटन है। अब जो कैटल का स्केलेटन है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो कंकाल तंत्र होता है ना, उसको मेनली दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा एक्जियल स्केलेटन और एक हो जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्जियल स्केलेटन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है यानी कि शरीर के अक्ष की तरफ जो संरचना स्थित है ना, उनको बोलते हैं हम एक्जियल स्केलेटन, और शरीर के अक्ष से जो दूर स्थित संरचना है उनको बोलते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्जियल स्केलेटन की। तो एक्जियल स्केलेटन में कौन कौन सी संरचना आ जाती हैं? तो देखो इसमें आ जाती है खोपड़ी, आ जाती है एक तो स्कल आ जाता है, उसके बाद वर्टिब्री आ जाती हैं, ठीक है वर्टिब्री, उसके बाद रिब्स आ जाती हैं और स्टर्नम आ जाता है। ये क्या है? स्टर्नम है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में फोर लिम्ब यानी कि अगले पैर की हड्डी आ जाती हैं और पिछले पैर की हड्डी आ जाती हैं, कि हिंड लिम्ब। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अपेंडिकुलर एक्जियल स्केलेटन की। तो देखिए एक्जियल स्केलेटन में हम बात करेंगे खोपड़ी की। ये जो आप देख रहे हो क्या है? कैटल की खोपड़ी है। और कैटल की खोपड़ी में यानी कि कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं 32, ठीक है। अब देखिए यानी कि जो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये क्या है? फेसियल बोन है। कौन सी है? फेसियल बोन, जो चेहरे पर पाई जाती है और दिखाई देती हैं। और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये कौन सी बोन है? ये क्रेनियल बोन है। तो देखिए एक एक के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ये हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगी प्रीमैक्सिला, ठीक है। प्रीमैक्सिला होती है जिसमें दांत स्थित होते हैं, और ये मैक्सिला, ये कौन सी है? मैक्सिला। मैक्सिला होती है वो चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ऊपरी जबड़े का जो निर्माण करती है ना, वो करती हैं प्रीमैक्सिला और मैक्सिला, ठीक है। और देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा है? तो ये मैंडिबल। मैंडिबल होती है वो निचले जबड़े की हड्डी होती है, और शरीर की एकमात्र गतिशील हड्डी होती है ये। शरीर की नहीं, खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी होती है, वो कौन सी होती है? वो हो जाएगी मैंडिबल, यानी कि चलायमान होती है, ठीक है। तो खोपड़ी की जो गतिशील हड्डी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? मैंडिबल हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? सींग है। सींग है, और सींगों के जो बीच में जो स्थान है उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आप देख रहे हो ये कौन सी बोन है? ये ऑक्सीपिटल है। कौन सी है? ऑक्सीपिटल। और ये जो आप देख रहे हो ये छिद्र, ये क्या है? फोरामेन। फोरामेन ऑफ मैग्नम, जिसमें से क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तंत्रिकाएं वो निकलती हैं। तो खोपड़ी में मेनली जो हड्डी पाई जाती है वो 32 पाई जाती हैं। खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो क्रेनियल और फेसियल। हम बात करते हैं किसकी? कशेरुकाओं की। तो देखो जो कशेरुका होती है ना, वो पाँच प्रकार की होती हैं। एक तो सर्वाइकल, जो कि गर्दन में पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गई थोरेसिक, ये लंबर, और ये सैक्रम, और ये पूंछ में पाई जाने वाली जो कशेरुका होती है वो हो जाएंगी कोक्सीजल। तो जो सर्वाइकल होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? गर्दन में पाई जाती है। सभी जानवरों में इनकी संख्या कितनी होती है? सात होती है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री को क्या बोलते हैं? एटलस। और सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। और देखिए ये जो देख रहे हैं आप ये कौन सी हैं? तो ये हो जाएंगी, ये कौन सी हड्डी हो जाएंगी? ये थोरेसिक हड्डी हो जाएंगी। और देखो जो थोरेसिक कशेरुकाएँ होती हैं वो बच्चीय गुहा, ये कौन सी गुहा है? ये बच्चीय गुहा है। तो बच्चीय गुहा की छत बनाने का काम करती हैं ये, ठीक है। और शरीर, जानवर के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है? कूबड़ होता है। जो कूबड़ होता है ना, वो कूबड़ बनाने वाली कशेरुका कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये हो गई फर्स्ट थोरेसिक, ये सेकंड थोरेसिक, ये थर्ड और ये फोर्थ। जो थर्ड या फोर्थ होती हैं ये क्या बनाती हैं? कूबड़ बनाती हैं, जो जानवर के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको उभार दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस। ये जो सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस है ये थोरेसिक कशेरुकाओं की विशेषता होती है। कौन सी कशेरुकाओं की? थोरेसिक कशेरुकाओं की, यानी कि सबसे ज्यादा विकसित सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस किन कशेरुकाओं की विशेषता है? थोरेसिक कशेरुकाओं की, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो, यानी कि देखो हम गाय की बात करें तो गाय में देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या होती है सात, थोरेसिक की कितनी होती है? 13 होती है, ठीक है। और लंबर की कितनी होती है? 6 होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक तो हो जाएंगी लंबर कशेरुकाएँ। ये जो लंबर कशेरुका होती है, जो उदर गुहा होती है ना, उदर गुहा की छत बनाने का काम करती हैं। उसके बाद है ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो तिरछी तिरछी लाइन, ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा विकसित ट्रांसवर्स प्रोसेस किन हड्डियों की विशेषता है? तो ये हो जाएंगी लंबर कशेरुकाएँ, ठीक है, लंबर कशेरुकाओं की विशेषता। उसके बाद हम बात करेंगे सैक्रम कशेरुकाओं की।
तो सर्वाइकल कितनी होती है गाय में? सात होती हैं। थोरेसिक कितनी होती है? तेरह होती है। लंबर कितनी होती है? छः होती है, ठीक है। और सैक्रम होती है वो कितनी होती है? पाँच होती हैं। एक दो तीन चार पाँच, ये क्या आपस में जुड़ी हुई हैं। तो देखो जो सैक्रल कशेरुकाएँ होती हैं वो जानवर के शरीर की सबसे मजबूत कशेरुकाएँ होती हैं, ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। और जो पेल्विक कैविटी होती है उसकी छत बनाने का काम करती हैं सैक्रम कशेरुकाएँ। उसके बाद है कोक्सीजल कशेरुकाएँ, ये जो आप देख रहे हो कोक्सीजल कशेरुकाएँ होती है वो खपाई जाती है जानवर की पूँछ में पाई जाने वाली कशेरुकाएँ होती है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक्जियल स्केलेटन की। एक्जियल स्केलेटन में हम पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, खोपड़ी की बात कर चुके हैं। उसके बाद खोपड़ी के बाद हम कशेरुकाओं की बात कर रहे हैं। कशेरुकाओं के बाद हम बात करेंगे रिप्स की। तो रिप्स का मतलब होता है पसली। ये जो आप देख रहे हैं क्या है? पसली है। अब देखो ये जो पसली होती है ना ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो एक्सटर्नल रिप्स जिनको बोलते हैं ट्रू रिप्स, और एक होती है एक्सटर्नल रिप्स जिनको फाल्स रिप्स बोलते हैं। तो समझिए आप कि एक्सटर्नल क्या होती हैं और एक्सटर्नल क्या होती हैं। तो देखो जो सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, ये जो सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं इनको बोलते हैं एक्सटर्नल रिप्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिप्स या ट्रू रिप्स बोलते हैं। यानी कि ऐसी पसलियाँ जो डायरेक्ट सीधे स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल रिप्स, और जो सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं या अप्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम से जुड़ती हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल रिप्स, या इनको फाल्स रिप्स भी बोलते हैं। तो गाय में 13 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, गाय में 13 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। और जो पसलियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो एक्सटर्नल जो सीधे स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, और एक होती हैं एक्सटर्नल जो सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती हैं यानी कि इनडायरेक्टली जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टर्नम की। ये जो आप संरचना देख रहे हो ये कौन सी संरचना है? स्टर्नम। तो देखो जो स्टर्नम होता है वो थोरेसिक कैविटी का क्या बनाता है? फर्श बनाने का काम करता है, यानी कि फ्लोर बनाने का काम कौन करता है? स्टर्नम। अब देखो जो स्टर्नम होता है ना उसके तीन भाग होते हैं, यानी कि पहला भाग होता है उसको बोलते हैं मेनिब्रियम। क्या बोलते हैं? मेनिब्रियम बोलते हैं। और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं जिपॉइड, ठीक है। तो जो घोड़े का जो स्टर्नम होता है ना वो बोट शेप होता है, यानी कैसा होता है? नाभ आकार का होता है, ठीक है, कैसा होता है? नाभ आकार का होता है। तो ये जो स्टर्नम होता है कैसी बोन है? चपटी है, और किससे मिलकर बनी होती है? ऑस्टियोकार्टिलेजिनस बोन है, यानी कि हड्डी और उपास्थि से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्जियल स्केलेटन की बात। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक तो अगले पैर की हड्डी आ जाएंगी और पिछले पैर की हड्डी आ जाएंगी। तो देखिए पहले बात करते हैं हम अगले पैर की हड्डियों की। अगले पैर की हड्डियों में पहले ये स्कैपला। ये क्या है? स्कैपला। अब देखिए जो स्कैपला है ना, स्कैपला होती है वो कैसी बोन होती है? चपटी हड्डी है। कैसी है? चपटी हड्डी, फ्लैट बोन। और कैसी हड्डी है? त्रिकोणाकार और कंधे की हड्डी होती है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्कैपुलर स्पाइन, यानी कि स्कैपुला हड्डी में जो उभार है इसको बोलते हैं स्कैपुलर स्पाइन। और ये क्या है? सुप्रा स्पाइनस फोसा और ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो इसका जो अनुपात होता है गाय में कितना होता है? 1:3 होता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये एक्रोमियन प्रोसेस। क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस है। और इसमें ये ग्लेनोइड नोच है, ग्लेनोइड नोच होती है, और एक ग्लेनोइड कैविटी होती है। ग्लेनोइड कैविटी होती है उसमें जो ये हुमरस है ना, हुमरस का जो हेड होता है वो फिट रहता है, और जॉइंट बनता है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये जो हड्डी है ये कौन सी है? हुमरस। और हुमरस में क्या पाई जाती है? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। उसके बाद है ये रेडियस अल्ना, यानी कि रेडियस, ये तो रेडियस हो गई और ये हो गई अल्ना, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना होती है दो अलग अलग होती है, उनके बीच में जो स्पेस होता है ये खाली जगह दिख रही है इसको बोलते हैं इंटर ओसियस स्पेस, यानी कि दो हड्डियों के जो बीच का स्थान होता है इसको बोलते हैं इंटर ओसियस स्पेस। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? पॉइंट ऑफ एल्बो। क्या है? पॉइंट ऑफ एल्बो, जो अल्ना हड्डी का ओलिक्रेनन प्रोसेस बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ये शॉर्ट बोन है, ये कौन सी है? कार्पल बोन, ठीक है। तो गाय में जो कार्पल बोन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। और जो कार्पल बोन होती है ना ये शॉर्ट बोन होती हैं। कौन सी बोन होती हैं? शॉर्ट बोन। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये मेटाकार्पल है। क्या है? मेटाकार्पल। तो गाय में जो मेटाकार्पल होती है ना वो दो होती हैं, एक तो स्मॉल मेटाकार्पल है ये, ठीक है, ये स्मॉल मेटाकार्पल है, और एक होती है ये तो लार्ज मेटाकार्पल है। क्या है? लार्ज मेटाकार्पल। और एक होती है स्मॉल मेटाकार्पल, छोटी होती है, जो बहुत ही छोटी, ठीक है। तो गाय में जो मेटाकार्पल होती है वो दो होती हैं। उसके बाद हैं ये क्या है? डिजिट। गाय में दो पूर्ण विकसित डिजिट पाई जाती हैं, ठीक है, दो पूर्ण विकसित डिजिट पाई जाती है। और ये जो देख रहे हैं ये फेलेंजस हैं, फर्स्ट फेलेंजस, और ये सेकंड फेलेंजस, और ये थर्ड फेलेंजस, ठीक है। तो हम जॉइंट की बात करेंगे जब और अच्छे से बताएंगे, ठीक है।
ये तो हो गई अगले पैर की हड्डियों की बात। अब हम बात करेंगे पिछले पैर की हड्डियों की बात। तो पिछले पैर की हड्डियों में पहली जो दिख रहे हैं आप, यह हिप बोन। क्या है? हिप बोन। तो हिप बोन दो होती हैं, एक तो राइट साइड की हिप बोन और एक होती है लेफ्ट साइड की हिप बोन। अब देखो, जो राइट साइड की हिप बोन होती है, ये तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है हिप बोन, इलियम, इसियम और पूबिस। कौन कौन सी? इलियम, इसियम और पूबिस। ठीक है, तो इलियम, इसियम और पूबिस, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि इलियम, इसियम और पूबिस, इलियम, इसियम और पूबिस तीनों हड्डियों के जो कोण बनकर क्या बनाते हैं? एसिटाबुलम कैविटी बनाते हैं। एसिटाबुलम कैविटी बनाते हैं जिसमें जो आप देख रहे हैं ना, फीमर, फीमर होती है वो जानवर के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसमें क्या होता है, इसका हेड जुड़ता है। और ये जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि जो समान प्रकार की हड्डियाँ होती है वो आपस में जुड़ती हैं, उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो देखिए, इन तीनों में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? इलियम होती है, और इलियम बनाती है पॉइंट ऑफ हिप। क्या बनाती है? ट्यूबर, यानी कि ट्यूबर कॉक्सी वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हिप। ठीक है, ये जानवर के शरीर का क्या उभार है। और उसके बाद ये जो हड्डी है ये कौन सी है? फीमर हड्डी है। फीमर हड्डी की विशेषता यही है कि इसमें क्या पाई जाती है? ट्रोकेंटर मेजर, ट्रोकेंटर माइनर और ट्रोकेंटर मेजर पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? पटेला है। ये कौन सी बोन है? पटेला है, जो जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सेस्मोइड बोन होती है। दो हड्डियों के बीच में क्या है? पुली का कार्य करती है ताकि घर्षण को कम किया जा सके। ठीक है, ये पटेला है। और उसके बाद जो देख रहे हो आप, ये कौन सी है? ये टिबिया फिबुला है। ये टिबिया हो गई, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है? फिबुला। फिबुला होती है वो अवशेषी होती है। और ये आप देख रहे हो ये क्या है? पॉइंट ऑफ हॉक, पॉइंट ऑफ है हॉक, जो फिबुलर टार्सल हड्डी से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो ये कौन सी है? टार्सल बोन। टार्सल बोन होती है, शॉर्ट होती हैं, ये मेटा टार्सल हैं और ये वही डिजिट एंड फेलेंजस हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों हड्डियों के बारे में नॉर्मल सी बात। ठीक है, अब देखो हम जॉइंट की बात करें तो अगले पैर के जॉइंट में देखो, ये तो हो गया शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये अगले पैर का शोल्डर जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है। ठीक है, ये नी जॉइंट है, ये फैटलॉक जॉइंट है जो मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलेंजस से मिलकर बना है। उसके बाद ये पेस्टर्न जॉइंट है, जो फर्स्ट एंड सेकंड फेलेंजस से मिलकर बना है। और ये कोफिन जॉइंट है, जो सेकंड एंड थर्ड फेलेंजस से मिलकर बना है। ठीक है, ये तो अगले पैर के जॉइंट हो गए, यानी कि शोल्डर जॉइंट, जो कि स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी और घुमरस का हेड मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं? शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। और इधर ये हो जाएगा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट होता है वो जो घुमरस होती है, घुमरस का डिस्टल एंड और रेडियस अल्ना होती है उसका प्रोक्सिमल एंड मिलकर बनाते हैं एल्बो जॉइंट। ठीक है, ये नी जॉइंट है, जो नी जॉइंट होता है वो ये क्या है? दोनों एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट क्या है? संयुक्त जोड़ हैं। तो देखो इसमें एक तो रेडियस अल्ना हो जाएंगी, ठीक है, कार्पल हो जाएंगी और मेटाकार्पल हो जाएंगी। ऐसे ही ये पिछले पैर के जोड़ हैं तो ये हो जाएगा हिप जॉइंट। कौन सा हो जाएगा? हिप जॉइंट। ये स्टाइपल जॉइंट हो जाएगा, जो कि फीमर, पटेला और टिबिया फिबुला से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो देखो हिप जॉइंट, स्टाइपल जॉइंट और ये हॉक जॉइंट, उसके बाद फैटलॉक, पेस्टर्न, कॉफिन, ये सेम जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों,